तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा में यही दो खूबियाँ थी, अदब था, खिदमत थी। अदब था, खिदमत थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवेरे सवेरे उठने का इंतज़ार करते थे कि उठे तो मैं पानी ले आऊँ, मिसवाक ले आऊँ, लोटा ले आऊँ और आपकी ज़रूरियात पूरी कर लूँ। तहज्जुद के वक्त इंतज़ार में होते थे कि अल्लाह के नबी उठें और मैं आपकी ज़रूरियात पूरी करूँ। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, नफल, पीछे आगे खड़े हो गए, पीछे नियत बांध ली। अल्लाह के नबी ने आगे किया, फिर पीछे हो गए, फिर आगे किया, फिर पीछे हुए। नमाज ख़त्म हुई, कहा अब्दुल्लाह हम आगे कर रहे, तुम पीछे हट रहे, हम आगे कर रहे, तुम पीछे हट रहे। कहा या रसूलल्लाह, अदब माने हुआ आपके साथ कैसे खड़ा हो, अदब माने हुआ आपके साथ कैसे खड़ा हो। तो खिदमत में आगे हुआ करते थे, सबसे पहले खिदमत का सामान लेके पेश करते थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह हम तुम्हारे लिए कोई दुआ करना चाहते हैं, बताओ क्या दुआ करें। अभी जिसे कहें कि जवानी तक भी नहीं पहुंचे थे और न ही समझ में, अकल में पुख्तगी उस दर्जे की जो बड़ी उम्र में आती वो आई, लेकिन अच्छी सोहबत भी आदमी को बचपन में कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है और उसकी अक्ल और दानिश की परवाज़ बहुत बुलंद हो जाती। हाँ, उसके ख्यालात, उसके जज्बात, उसकी समझ बूझ की परवाज़ अच्छी सोहबत की बरकत से बहुत बुलंद हो जाती। और ये अच्छी सोहबत ना हो तो इसकी सोच और फिक्र पर बुढ़ापे पर भी मातम किया जाता है कि क्या सोचना है ये बूढ़ा इस उम्र में, इतनी उम्र हो गई, जरा इसकी सोच तो देखिए। और अच्छी सोबत मिल जाए तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बचपन भी समझ बूझ की परवाज बहुत बुलंद हो जाती है। कहा अब्दुल्लाह बताओ तुम्हारे लिए कोई दुआ करें, क्या दुआ करें। कहने लगे या रसूलल्लाह आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे कुरान का इल्म नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह, कोई ऐसी मुबारक घड़ी थी, अल्लाह के नबी ने हाथ उठा दिए, बात बन गई। तो पूरी सहाबा की जमात में रिजवानुल्लाह अलैहिम में इतना बड़ा मर्तबा मिला, जहाँ किसी आयत में दो राय होती तो कहते भाई अब्दुल्लाह से पूछ लो उनकी क्या राय है, वो इस आयत का मजमून मफहूम क्या बयान करते हैं। खिदमत, अदब, खिदमत, अदब। बेअदब आदमी का कुछ नहीं मिलता। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जिन चीज़ों की अल्लाह से निस्बत है, अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, अल्लाह की किताब, अल्लाह का दीन, हाँ? जिन चीज़ों की अल्लाह से निस्बत हो गई, जिसके दिल में इन चीज़ों का अदब है, एहतराम है, अज़मत है, फरमाया ये अलामत है कि इसका दिल पाकीज़ा और साफ सुथरा है। जिन चीज़ों का अदब है, एहतराम, अल्लाह से निस्बत हो गई ना, अल्लाह से निस्बत हो गई, अल्लाह का इल्म इसके पास है, अल्लाह का कुरान इसके सीने में है, ये अल्लाह का घर है, हाँ, यहाँ अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है। जिस चीज की अल्लाह से निस्बत हो जाए, उसकी अजमत, एहतराम, अदब इसके दिल में आ जाए, ये अलामत है इसके दिल की दुनिया बहुत साफ सुथरी है, यहाँ कचरा नहीं है, यहाँ तकवे का नूर है, यहाँ गंद नहीं है, यहाँ ईमान की रोशनी मौजूद है इसके दिल में, तभी तो इन चीज़ों की अजमत, एहतराम, अदब है। अमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब।